नमस्कार, मैं हूं भारत भूषण। आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज़। मैं इस वक्त घुसियाना कैंट के कब्रिस्तान में मौजूद हूं, जहां पर पूर्व उपाध्यक्ष छावनी परिषद प्रमोद शर्मा जी के नेतृत्व में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। और यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल कायम की जा रही है, जहाँ पर दोनों समुदाय के लोग मिलकर वृक्षारोपण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक मिसाल है। लखनऊ कंटोनमेंट के जामिया कब्रिस्तान घुसियाना कैंट लखनऊ में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो कि स्थानीय लोगों द्वारा किया गया है। ये कार्यक्रम जिसमें प्रमोद शर्मा पूर्व उपाध्यक्ष छावनी परिषद के एन सिंह सभासद क्यू यू बेली सहित कई क्षेत्रीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस पूरे कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम ने मिलकर धरती को हरा भरा बनाने का कदम बढ़ाया है। वहीं देखा जाए तो इस कार्यक्रम के द्वारा एकता व भाईचारे का संदेश भी छुपा है। यह वाकई खास अवसर रहा। पेश है उदित राज न्यूज लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण की खास रिपोर्ट। हाँ, गई फोटो आके पहले आप सही बात, वो इतना मजा आ रहा है। इधर आ रहा हूँ, आप इस तरफ आइए, देखिएगा इधर। इस कमेटी के अध्यक्ष हमारे फहीम चाचा तो हम लोग कम जानते हैं, क्योंकि लिखा पढ़ी में नाम है, लेकिन चिम्मन चाचा के नाम से हम लोग सदैव जानते हैं। मुझे वो दिन याद रखता हूँ जब हम 3-4 साल के हुआ करते थे और चिम्मन चाचा का दूध पीकर ही हम लोग पेड़ पड़े हुए। तो ये और आज ये सौभाग्य की बात है कि चिम्मन चाचा हम लोग के बीच में मौजूद हैं, साथ में वृक्षारोपण कर रहे हैं। हमेशा सानिध्य चिम्मन चाचा का हम लोग को मिलता है। कभी कभी घुसियाना में, क्योंकि अलग अलग प्रवृत्ति के लोग रहते हैं और उन सब में अलग अपनी छवि को बना के रखना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इनको तहे दिल से चिम्मन चाचा का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे साथ में बेली चाचा सदैव हमको छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, कहीं हम गलत भी होते हैं तो हमसे डिस्कस करते हैं। हम इनकी सरपरस्ती में पले बड़े हुए, क्योंकि बेली चाचा का घर और मेरा घर अगल बगल है। मेरा मकान नंबर 24 है और आपका 23 है। सकती थी आराम से, मैं कहीं से भी चुनाव बैठ कर भी लड़ सकता था, मेहनत भी करनी पड़ती। मेरे पास विकल्प कई थे, मैंने इसलिए इसको चयनित किया। विधायक जी ने भी उस समय बोला कि एक बहुत ही अविकसित क्षेत्र है और मैं आप पर भरोसा जताता हूँ कि अगर आप वहाँ जाएंगे, खरका प्रथम वार्ड में सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है और उसमें मेहनत करेंगे, आपके सिवा मैं किसी दूसरे पे उम्मीद नहीं कर पा रहा हूँ कि कोई दूसरा जाकर उस क्षेत्र में विकास कर सके। और मैंने इसको स्वीकार किया। मेरे परिवार के लोग भी उस समय हतोत्साहित थे, दोनों बेटे मेरे IITian हैं, एक IIT मद्रास से है, एक IIT दिल्ली से है। सर, ये वृक्षारोपण हो रहा है और ये कब्रिस्तान है या गुलिस्तान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रकाश डालेंगे इस बात पर? जी, ये असल में राजीव नगर घुसियाना का कब्रिस्तान है, जो कि बहुत ओल्ड समय से यहाँ पर है। यहाँ पर जो मुस्लिम मैयतें होती हैं वो आके दफन होती हैं, लेकिन इस इलाके में पहले यह कब्रिस्तान बहुत ही बुरी स्थिति में था। उसके बाद 5 साल पहले रियाजुल हक नरेश जी और उनके साथियों ने मिलकर इस कब्रिस्तान को जीर्णोद्धार करने का कार्य शुरू किया, इसको सुंदरीकरण का काम शुरू किया और आज चारों तरफ हरियाली ही हरियाली इस कब्रिस्तान में है। तो जैसा आपने कहा, कब्रिस्तान है या सौंदर्यस्तान, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आके, क्योंकि अंतिम दिन यहाँ पर ही इंसान को आना है। लेकिन ये जगह देख के अच्छा लगता है कि कुछ लोगों ने अपने एकल प्रयास से इसको इतना सुंदर बना दिया है। शुक्रिया। कैमरामैन राकेश शर्मा के साथ मैं भारत भूषण, लखनऊ। उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर।